इनकर आदत है, पहले चप्पल से मरी हैं, फिर उनकर चप्पल के बिना पैसा के ठीक कर दी हैं। बहुत महान है। बैठो 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 बाबू, देखो परेशान मत हो, चप्पल की चिंता तो बिल्कुल मत करो। हम कह रहे हैं ना, बच्चे उठा के ले गए हैं, बाद में मिल जाएगा आराम से। हा? लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुनना। तुम लोग एक लड़के के पीछे पड़ के अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो। अरे तुम्हारी स्कूल में का ऐसा पढ़ाया जाता है? हमरी है, माफ कर दो हमनी को। धन्यवाद भाई, आपकी वजह से बच गई। हम ही शहर में नया हैं। कौनो बात नहीं मैडम जी। शारदा, तुम इनका घर तक छोड़ के आ जाओ। जाओ। बस हमको यहीं तक आना था। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। अरे हमरा घर नहीं है, मेरे पिताजी यहाँ बैंक मैनेजर हैं। हाँ, आज यहाँ कौनो त्योहार बा का? रिबन सिबन बंधल बा? अरे नहीं, जो लोग छोट मोट धंधा करत हैं, बैंक उनका लोन देत है, यही से वो लोग यहाँ आए हैं। यानी हमने जैसन की भी लोन दी है? काहे नहीं, का तुमका भी व्यापार करेंगे? नहीं, हमके ना, हमार राम के। अरे जे भी तुमको बचाए हैं, हाँ? उन्हीं को। ओहो, अपना पिताजी से बोल के करवा दो ना, मेहरबानी होगी। अच्छा, हाँ? हम कोशिश करेंगे। हम राम के लेके आते हैं, तुम जाना, हाँ? मत कहीं। नमस्कार। नमस्ते। ये आएंगी तो इनका अंदर लेके आना। अच्छा ठीक। अरे सुना है, बैंक ना हमनी जैसे लोगन के लोन देते, जल्दी चलो। भद्रू, चित्रा, बैंक लोन देते, जल्दी करो, जल्दी ये टोपी पहन ला। अरे ये का कर रही हो? अरे दुकान लगावे की खातिर बैंक लोन देत है, ये जगह पर अपन दुकान बन जाई, जल्दी चलो ना। अरे तुम कहाँ बोल रही हो? अब आवा, आ? कहाँ जल्दबाजी कर? जल्दी करो। आओ। नमस्कार साहब जी। आदमी के चप्पल तोड़े रहे मंदिर में, ऐसे हम बाहर जा रहे हैं। बोले रहन की ऐसी ऐसी हरकत ना किया करो, मगर तुम कभी ना कभी तुम फंस जाइयो। ऐसे मत देखो ना हमके। चुप रहो, हमेशा हम जिसके बारे में बोले थे ना डैडी जी, ये वही है। नमस्कार साहब। ये हैं जे हमको लड़का लोग से बचाए हैं और उनका पिटाई किए हैं। थैंक्स राम, जिस दिन से लड़की तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है, हमनी के मुलाकात बढ़ते जा रहा है। आओ बैठो। कौनो बात नहीं, गंगा बताई कि आपके बैंक लोन दे रही है, छोट लोगन के काम करेंगे खाते। हाँ, जो मेहनती और गुणी लोग अपना काम खुद करना चाहते हैं, बैंक भी अपना तरफ से उनका सहायता करता है। हमहू तो काम करें के चाह रहे हैं। हाँ बाबू, जौन भी कमाई हो रहा है वो शारदा की पढ़ाई लिखाई और शादी के खर्चा में खत्म हो जाए। अरे चुप रहो, पूरी बात बतावे के का जरूरत है, जितना जरूरत है उतने बतावे के चाहिए। अरे सब सच्चाई बतावे के पड़ी तबे तो लोन मिले ना हमनी के। पागल हो गई होगा तुम। अरे बोले दे। अरे अब का बताई बाबू, ये तो बस बड़बड़ करती रहती है। ये अपना होके वाला बीवी को पढ़ा लिखा रहा है बाबू, तो आप तनी मदद कर दे। एकर धंधा जोर से चले लगी है और एकर गृहस्थी बस जाई, ये तब पुण्य के काम बना बाबू। अरे हमारा मुन्ना। ला 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 ला।
नमस्कार, अब आपको आपके गुरु इंग्लिश सिखाई हैं और उसका मतलब हिंदी में बताई हैं। व्हाट इज योर नेम, मतलब आपके नाम का है। व्हाट आपका नाम का है, मतलब व्हाट इज योर नेम, सही है ना? हाँ, हाउ आर यू? मंदिर आ गवा, उतरो, पूरा गांव में तुमको बिठा के लाना पड़ा। चप्पल के बिना कैसे चलते, पैर में पत्थर चुभ रहा है ना। व्हाई यू कम हियर? व्हाई यू केम हियर? भाई चप्पल खरीदे खातिर आया ना। बट हु आर यू? अरे सुनो, तू तो अंग्रेजी फिल्म देखत रहा था, ऐसे अंग्रेजी में बात करो, हमका तो अंग्रेजी आवत ना है। हस्बैंड, वाइफ एंड बेबी। अरे पागल हो गई हो का, तू पेट से हो एका बतावा जरूरी रहा का? बैठी ना। अरे तोरा हिंदी आवत रहे तो अंग्रेजी बोल के हमारा दिमाग कहाँ खराब करो। वो का है, स्कूल तो हम कबो गए नहीं, यही खातिर अंग्रेजी बोले आवत नहीं। वो तो रेडियो सुन के थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल के काम चला ले थे। अरे भाई साहब, आपका कुछ कपड़ा चाहिए? अरे पर देख लीजिए। नहीं चाहिए बोलो ना। अरे भाई जरा एक देखो। हाँ, लाओ। देखो जरा ये कैसे टूट गवा। नवा चप्पल है का? हाँ भाई। अरे नवा चप्पल भी टूटे लागल का? हाँ, आदमी के जिंदगी का कोनो गारंटी नहीं हो, कबो जा सकत है। ये तो खाली एक चप्पल है। सही बोल रहे हो आप। ये भाई ये चप्पल सी के देव ना जरा। एका सी ना है का? भाग यहाँ से, दिमाग खराब हो गया है क्या? चल जा यहाँ से, ना तो मारब। तू भाग ना। अरे अरे बोलो भाई कितना हुआ? अरे एक खातिर पैसा के का जरूरत है? आप तो अच्छा काम से आ रहे हो, के लिए पैसा दे के का जरूरत है? कितना अच्छा और सच्चा दिल हो, एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनबो। सुंदर भैया आवा, ये का थोड़ा साफ सफाई रखा करो यार। ला 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 आ, 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 आ। ये सब नाटक का है? देख लिया, ये बताओ कहां से मार के लाई तुम्हें मंदिर में? यह सब करे खातिर रखे इनका? अच्छा एक बात बताओ, एक भले आदमी का चप्पल तोड़ के तुम हमारे पास काहे भेज दियो? ओए, अरे तोहरा चार पैसा मिली है ही सोच ले रही, गलत सोचा का? एकदम गलत सोची, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जेकर चप्पल है ओकर दे के आ। का मतलब बा तुम्हार, काई चप्पल हम चोरी करके लाए हैं? नहीं तो का खरीद के लाई हो, ये बताओ मुझे। केहू हमके तोहफे में दिए है, समझ गए? अब रहने दो, चलो जाओ, बहाने मत बनाओ। जब लेवे वाला कोनो होई तो दे ही काहे ना, तुम सब कुछ छोड़ के चलो ना हमरे साथ। काहे केहू देख ले का तो देख ले देव, का पति पत्नी एक दूसरा के करीब ना आ सकत है? अरे तू कब से हमार पत्नी बन गई? तू हाँ तो बोल दे, हम तो हर पत्नी बन जाते हैं, कम से कम छह जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए। कहे बउआ के दूध पिलावत हो का? नहीं, बउआ के दूध पिलावत है। अरे बउआ के संभाले के काम तुम जैसन लोगन के ना है, सुबह से तुमो का पानी पिलाए जा रहे हो, बउआ के पिलाए खातिर हम मंदिर से ताजा दूध लेके आए हैं। ए ला, काहे हम कहा ना पिला सकत है? अरे ओके कहां लेके जा रहे? अरे दे हम, हम ना दे कहा ना। अरे रोज तुम इस तरह आकर ओका रोज खिलौती मिलावती हो, कल का वो हमार बात ना सुनी तो? वही खातिर तो, कम से कम तू हमरा सामने हाथ पैर जोड़ के शादी खातिर बोली। हर बात पे तुम वही बात करती हो। उस शारदा के तो कुछ आवत जात ना है, फिर भी ओकरा के चाहत हो और आस लगा के बैठल हो, हमरा में कौन कमी बा? हाँ लगेगी लगेगी, अब तुम्हार हाय, तुमसे शादी करब तो हमार पूरा खानदान अन पड़ रही। ऐसा ना हो। आ? लेकिन इतना पढ़ल लिखल लड़की तो उसे शादी काहे करी? आ? हमार कहना ये है कि बचपन से तू बहुत मेहनत करके शारदा के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किए हो, शायद
इतना पढ़ी लिखी लड़की तो उसे शादी काहे करी? तू तो ओके सामने पुराना चप्पल के जैसा दिखेगा। अरे तुम्हारे बगल में खड़ा रहने से बेहतर है कि ओकर सामने हम पुरानी चप्पल बन के ही रहें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जिकरा से लगे शादी कर ले। स्टॉप 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 बोला रहना, स्टॉप बोले रहना, स्टॉप बोले रहना। अरे का हो ये, का हो ये जगह पर, का तुम्हारी वर्दी चल जाता है? कानून वानून है कि ना कुछ? काम डबल सीट नहीं चला सकता है? कितना साल से हम ऐसे ही चला रहे हैं, आज तक तो नहीं रोका किसी ने हमको। केहू ना रोका, रूल्स ना पता हो कि उन लोगन का? दरअसल डबल्स रूल लागत है तोहरा का ना पता है। अरे डबल्स रूल्स में डबल मर्द या डबल औरत चढ़ सकत है, बाकी एगो औरत और एगो मर्द एक साथ ना चढ़ सकत है। रुको, ठहरो ठहरो, अरे ठहरो ठहरो, एगो औरत एगो मर्द ना चढ़ सकत है, एकर सजा का है पता है तुमको? सेक्शन ए बी के मुताबिक 50 रुपया फाइन और 1 महीना का जेल। चलो पुलिस स्टेशन। अरे जेल जाने की क्या जरूरत है, रख लो रख लो रख लो, समझदार हो। Hey, ठहरे हो। धंधा का तुम लोगों का? कपड़ा का धंधा है। रात में क्या करत हो? कुछ ना करत है। ये कौन हो? ये हमारी वाइफ है। लाइसेंस? ये देखिए मंगलसूत्र। ये पे हमारा विश्वास ना है, ये हमारा पूरा नाटक लग रहा है। आजकल मंगलसूत्र लड़की भी पहनत है। सेक्शन ए बी सी के तहत 6 साल का कैद होगी और 50 रुपया। चलो शहर में नया आए हैं, रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछ रहे थे, उहे बता रहे थे हम। चलो 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 चलो, रोक रोक रोक, हम कहते रोक। अरे कहाँ पकड़ रहे हो? अरे हमरा छोड़ो, हमरा को ड्यूटी पर है। छोड़े के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी हरकत बताने आए हैं। अरे यार तोरा के कब से समझा रहे, तोरा समझ में नहीं आवत है का? क्या बात है? देखो नहीं। अरे कोनो बात ना, हम तो नहाए खाती जात रहे, तो गुप्ता जी हुआ बतनाओ हिया बतनाओ बोल के परेशान करत रहे। हमरी तरफ देख के कहो। अरे बेटी हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमको नहाने दो, हमको नहाने दो। हटो, फिर से का गड़बड़ किए? देखिए ना इनको, तोरे पिताजी बहुत बड़ा अपराध किए हैं। पता है क्या किए हैं? पुलिस के वर्दी पहन कर जनता को लूट रहे थे। वर्दी दियो पिताजी, दो साहब जी, ये कपड़ा लेके जाओ, नहीं तो पिताजी के पागलपन कम ना हुई। जौना तरह एगो औरत के जिंदगी सिंदूर के बिना अधूरी है, वही तरह एगो पुलिस वाला का जिंदगी वर्दी के बिना अधूरी है। हम जब मरेंगे तो हमार वर्दी हमारा साथ रहे के चाहिए, वरना हमार लाश जलेगी नहीं। अब समझाइए इनको, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बाद में मत कहिएगा, जा रहे हैं हम। हमार वर्दी। पिताजी ये पागलपन छोड़ो, रोज के आपके ये नाटक हमके बिल्कुल सहन ना होते। लागत है बारिश रुके वाला ना है। ना रुकी तो ना रुकी, इधर है सो जाओ, सुबह उठ के चली जाओ। का सुबह तक? अरे का करी हो? एक जवान लड़की और एक जवान लड़का, हमके तो शर्म आवत है। का भाई चलो जाके सो जाओ, जाओ। तुम हिया कहे आए हो, यहाँ सोई हो का? बेकार की बात मत सोचा करो तुम, इंसान की नियत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होत है। हाँ, एको जवान लड़की और एको जवान लड़का, जब बारिश के समय एको कमरा में बंद हो तो लाख चाहे, बाकी खुद पे काबू रखल उनकर बस की बात ना है। मौसम करवट बदल लेलस और हमसे कोनो गलती हो गई तो, अरे बाप रे, हमरा तो शर्म आवत है। का देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि तुम्हार आखन में कैसे मौसम बदल रहा है। ऐसे नहीं देखो ना, कहीं नजर मिल गई तो डेंजर हो जाएगी। हंस गए रहे हो तुम, हमार तो डर से जान निकला था। अरे तुम हो कमाल करती हो, तुम तो राई का पहाड़ बना दे रही हो। तो क्या लगता हम झूठ बोल रहे हैं? यकीन ना होता का? अपना हाथ हमार दिल पे रख के देखा। रहें दो, अब बारिश भी खत्म हो गए, तुम अपने घर को निकलो, चलो जाओ। सच कही तो हमके डर लागत है। हाँ, चल जाओ, चल जाओ। राम भैया, गजब हो गया राम भैया। गोविंद ने मानसी के घर में हंगामा खड़ा कर दिया राम भैया। अरे कहाँ जाएगी तू? तुमने आवाज लगाने से आ जाएगा? भगवान है, दे उसको, उससे सब पैसा वसूल करेंगे हम। तुमको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पूरा पैसा वसूल करके दम दूंगा। आ जाओ चल हमारे साथ।
अरे ज्यादा नाटक मत कर तू, समझे हो? हम कह रहे हैं लड़की को छोड़ दे, वरना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ देंगे, छोड़ दे। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तू जाके अपना राम से कह दे हमरा बच्चा हमके वापस कर दे। फूल जैसा अपन बहन के शादी वो तोहरा जैसा शैतान से कर दिया है, और तू ओकरा इतना सताया कि उसका जान लेकर ही छोड़ा। लोगन की जिंदगी से तू खेलत हो रे शराबी, तोहरा बच्चा चाहिए। छोड़ दे उसको, छोड़ दो, हम कहते छोड़ दो, छोड़ दो ओकरा। ओ बहन राम भैया। नमस्ते साले साहब। जरा फंसे तू ओकरा के छोड़ दे, हमरा बेटा हमरा दे दियो। तुम वो लड़की को छोड़ रहे हो कि हम छोड़वाएं? 1000 रुपया दे दियो, हम छोड़ देंगे। किस किस का पैसा बाकी है? सब लोग ब्याज के साथ ऐसे पैसा वापस लो। हमारी बीवी को छेड़ता है, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ले राम भाई, गोविंद ने फिर से झगड़ा किया। हमारा जीजा था यही से छोड़ दिया, दोबारा लफड़ा करेगा तो अंदर डाल दूंगा, समझ गए? जौने दिन से हमार बहनी दुनिया में ना रही, वो दिन से उसे रिश्ता खत्म है। 20, 21, 22 ई भीड़ से काहे डिब्बा निकाले हो? गिनती याद है कि नहीं, कहीं भूल तो ना गए? यह देखने के लिए गिनत रहे काहे? फिर से गोविंद के लफड़ा हुई गया का? रोज का हुआ तगादा, पहले पैसा पैसा मांगता था, अब दूसरा गाना शुरू कर दिया। पैसा देता है या मेरा बेटा देता है, अब यह कहने लगा है। चलो पैर हटाओ। अरे पढ़ाई के डिब्बा में 1000 रुपया कम है, कितना डाली? पढ़ाई के डिब्बा से कैसे कम हो जाई? शारदा ने चिट्ठी लिखी है। तुमका लिखी है और हमका नहीं लिखी? हमके याद रहा, गनीमत समझा। इतना जरूरी हमार लेटर है, और न जाने कहां तुम रख लेती हो। शारदा के लेटर को हम अपने दिल के पास संभाल के रखे हैं। इतना हमारा अच्छाई है कि हम उकरा फेंक ना दिए। अरे पसीने से पूरे अक्षर मिट गए हैं, बताओ पढ़े कैसे हम? बराबर लिखा हो तो पढ़ लेते हो क्या? हाँ? तेरी होने वाली बीवी के लेटर पढ़वाने के लिए कम से कम हमरा से शादी कर लियो ना। ए, अरे अब ऐसे भी मत देखा करो, शारदा को और 300 रुपए भेजना है। कब तक चाहिए होगा? जल्दी करो, कल तक इंतजाम करो। मास्टर जी जरा बैठिए एक मिनट। यहाँ कहा बात हो? अच्छा शादी का लिस्ट है, हमको कुछ दिन पहले ही तो दिखाए थे, फिर इसमें कहे टिक लगा दिए? कुछ और खरीदे हो का? वो शारदा से मिले शहर जा रहे हैं, तो सोच रहा हूँ जौन बाकी हो वो सब खरीदे लाई। अच्छा तो यही खातिर टिक किए हो, सारा सामान ठीक से लिखे हो? कौरी पूजा के पर वो तो सब खरीद लिया। अरे बाबा टिक कर दियो ना। हाँ हाँ। पाँव के चप्पल, हाथ के कंगन। का है ना मास्टर जी, खरीद तो लिया है, पर आप टाइम निकाल के सब देख लिए तो अच्छा। देख लेंगे, परेशान मत हो। हाँ कन्यादान का कपड़ा, मंडप के सामान। हाँ हाँ मास्टर जी, कन्यादान के कपड़े आप बता दे तो हम वो सब खरीदे लाउतेन। पर ये सब हमसे कहे पूछ रहे हो? वो कहा है कि शारदा के माई बाबू ताऊ ताई कोई तो है नहीं, जो मंडप में बैठ के हमार शादी करवा दी है। सब करवा देंगे, लेकिन पहले तुम शारदा से उसका राय तो जान ले कि वो राजी है कि नहीं। ठीक है, पहले आप मुहूर्त तो निकाल दीजिए। मुहूर्त निकाले से का होगा? पिछला बार कितना अच्छा मुहूर्त निकाले थे, कहे मुहूर्त पे मुहूर्त निकलते गए, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो। वो कहा है पिछली बार पूरी पढ़ाई होने का चाहिए ना, जो पूरी हो नहीं पाई। ठीक है, अब 20 साल का पढ़ाई पूरा करे के बाद वो शादी करी हो का, जाके पूछ के आओ। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ अब तुम जाओ। ठीक है तुम संभल के जाइयो। अरे ड्राइवर रुको ना। अरे ड्राइवर रुको, अब कहा है? एक काम करो, ये ले जाओ और एक ही नाप का दो सर ले आओ। अरे ये कहा है? अरे एक ही मत खोलो सबके सामने। अरे देखिवे ना तो लेबे कैसे? शारदा की दिखा दे हूं, वो खरीद के दे दे, तुम रख ले हो अपने पास। अरे जाओ जाओ। हाँ चलो चलो, पापा की टाटा कर दो। लग के हो।
श्रद्धा श्रद्धा इन्हें आवा तुम्हारे हाथ पर भी हम नाम लिखवा दे। नहीं नहीं हमरे स्कूल का टाइम हो रहा है। छोड़ो स्कूल को, स्कूल तो रोज आवेला, एक बार चल गए तो वापस नहीं आएगा। आओ। अरे रुको पागल, खुद तक कबो पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है, तुम तो हमेशा ऐसे ही अनपढ़ गवार रहेगा मूर्ख कहीं का। हम सोचनी ई पढ़ लिख के कुछ बन जाए, बड़ा अफसर बने, पैसा कमाए। सुना अगर फिर से एक स्कूल जाए से रुक लो ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम जाओ स्कूल। इसमें हमार का गलती है, ई जन्म में नहीं खेरे, पिछला जन्म में जो तू पाप कैले होकब ओकरा से माँ बाप खो देला, और आदमी के पास तुम और तुम्हारी बहन अनाथ अकेले रहते हो। अब अगर तुमको अपना बहन का फिकर है तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, और हमार बेटी जो पढ़ रही है उसको खराब रास्ता पे लाके कोशिश मत करो। अब अगर तुमको अपना बहन का फिकर है तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, और हमारी बेटी जो पढ़ रही है उसको खराब रास्ता पे लाके कोशिश मत करो। अरे बेचारी मर गई, अब बच्ची का क्या हो? अभी अनाथ हो गई। का भाई? तेरी माँ मर गई है बेटा। मत सादा, रो मत, हम बानी ना जैसे तुम्हारी माँ चाहत रही वैसे ही करब। चुप हो जाओ। हाँ चुप हो जा। अरे सुनो सुनो सुनो, जरा सुनो। क्या बात है? वो शारदा जो बीए में पढ़ती है उसका पता है? पता है। वो हॉस्टल में भी नहीं है, का क्लासरूम में है? हुआ नहीं है, वो कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ली है, वहीं आपके मिली। अरे रुको, उधर किधर जा रहे हो? वहाँ है। अच्छा भाइयों और बहनों, आज हमारे इस कल्चरल प्रोग्राम में हमारे इस नाटक का नाम है मानवता। जे अनाथ लोग होकत हैं, वो लोग कैसे प्रगति किए हैं, वो लोग अपन पांव पे खड़ा होके एक नाम कमाए हैं, उसी के ऊपर आज का ये प्रोग्राम है। और जो देवी देवता होत हैं ओका सामने वो कोना प्रकार से शुक्रिया अदा करता हूं, ओका वर्णन किए हैं अपन प्यार का इच्छा, अपन चाहत के इच्छा, अपन मनोकामना के इच्छा भगवान के सामने प्रकट करके ओके अपन सामने बुलावे के कोशिश करत है, और यही हो आज के अपन प्रोग्राम मानवता। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू उसको छेड़ रहा है? यह तो हम सोच रहे हैं, ये लड़की मार खा रही है और तुम सब लोग तमाशा देख रहे हैं। अरे ये सब नाटक हो भाई, तू चुपचाप बैठो वहाँ जाके, जाओ जाओ चलो चलो। मतलब अबे और मारे बाकी है का? यहाँ ड्रामा हो रहा है, चुपचाप जाके बैठिए वहाँ, जाइए। जाओ यहाँ से, जाओ। तू वो करा के मारे है ना? ए तू ये लड़की से माफी मांग, चल खड़ा हो। अरे हम काहे माफी मांगे, कहानी इसने लिखी है, इससे माफी मंगवाइए। राम जी तुम रुक जाओ शारदा। का बे ये कहानी तू लिखे है? ऐसा है कि जो अंदर काम कर रही है उसके पति को शक हो गवा है कि कोनो और के हो गई है। आदमी को अपने पत्नी पर काहे शक होत है? और अगर शक होत है तो तूने लिखा काहे? अरे वो तो कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए ऐसा लिखा है, अंत में सब शुभ ही होगा। तुम चुप रहो। अरे कब शुभ होगा हमें सब पता है। अरे लेखक तुम अपनी कहानी में बोले का चाह रहे हो? अरे तुम का समझावे चाह रहे हो कि हर पति अपनी पत्नी पर शक करे, पत्नी को मारे, पत्नी रोए और आखिर में कौनो कुआं देख के जाके वो मकूद जाए? अरे 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 ऐसा मरना वरना कुछ नहीं है, आखिर अंत में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना। तुम अपन मुंह बंद रखो। अरे कब मिली है, कब शक दूर हुई, यह नाटक देखिए ना। अब देखो भाई, हम ऐसा नाटक देखी, हम ऐसा सिनेमा देखी जिखे देख के हमें कुछ सीखे का मौका मिले ना।
कहानियों में कुछ ना कुछ तो होत है कि जात पर नहीं लड़े के चाहिए, मेहनत करके आगे के बढ़े के चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बेतुका नाटक देख के हम लोग क्या हासिल कर पाएंगे आए? ये लोग जो दिमाग में आया वो कुछ लिखते हैं, हैं? और हम पागल की तरह चुपचाप देखते रहेंगे, हैं? अब आप लोग बताएं इसे क्या सीख मिली, बताएं। शारदा, हमने जो काम किया वो का गलत किया? और नहीं तका, एक हफ्ता से कंपटीशन चलत रहे, हम सोचे कि हम अच्छा करेंगे तो फर्स्ट प्राइज जीत लेंगे। मतलब प्राइज तुमको नहीं मिलेगा? कैसे मिली? वहाँ जो आप किए उसके बदले में मिलेगा। रामायण में सीता किसका नाम है इन लोगन का मालूम नहीं, और रामायण लिखे चले हैं, नाटक बनावे लागे हैं। ठीक है, देखता हूँ। अभी उन लोगों को मेरे बारे में पूरी तरीके से मालूम नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो गया है। किससे जाके झगड़ा करेंगे? जानबूझ के तो करते नहीं। मेरे गुरुजी बोले हैं जहाँ जरूरत पड़े हाथ उठा देवे के चाहिए। के बानी था हर गुरु? श्री कृष्ण भगवान। भगवत गीता में यही कहकर तो महाभारत युद्ध करवाया। आपसे प्रार्थना है भगवत गीता हमारे कॉलेज में ना चलाएं प्लीज, मेहरबानी करके। मतलब तुम्हार पढ़ाई 6 महीने में खत्म हो जाए, है ना? हाँ कुंवर जी। उसके बाद का करियो? का करी हम? जौन हम बोलबे वो सब तुम कर ले हो। काहे नहीं करेंगे, आप हमरे खातिर इतना किए हैं। हमने का किया है? का हमके नहीं पता है, आप अपना शादी के लिए पूरा तैयारी किए हैं। गहना खरीद लिए, मंगलसूत्र खरीद लिए, कंगन खरीद लिए। हाँ सब कुछ तो खरीद ली, लेकिन अभी चेन ही बाकी है। शादी के पैसा छिपा के रखे हैं। हाँ मगर तुम्हें तो भी हाँ बोले के चाहिए ना। आखिर हम भी कब तक किताबें पढ़ाई करते रहेंगे? हमार भी मन करता है कि हमार घर संसार बस जाए। हाँ तुम अच्छी तरह से सब सोच लो, तुम्हार 6 महीना में पढ़ाई पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाए ना। अरे 6 महीना में पढ़ाई कैसे खत्म होगा, इसी कॉलेज में खत्म होगा। मतलब तुम्हें और भी पढ़ाई करे के है? डिग्री पढ़े के बाद हमके लॉ पढ़े के मन कर रहा है। हाँ मतलब इला की पढ़ाई करें के बाद। हाँ। तुमको काफी समय लग जाएगा ना। का कहिन शारदा, का कहिन 62 साल के हो जाई तब तक पढ़ाई करत रही, तब तक तो तुम्हार बाल सफेद हो जाइए और हम भी तुम्हारे इंतजार करत रह। हाँ बोली तो पढ़ाई मतलब का ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर ऐसी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और बहुत होशियार लोग भी आधी ही पढ़ाई कर पावत हैं। मतलब वो पढ़ाई करत करत अपन जिंदगी निकाल दी और तू टाका सिलत सिलत अपन जिंदगी निकाल दो, तू बिना दांत के और वो लाठी के सहारे दोनों शादी के मंडप में। बाबा का जोड़ी जमी, ऐसन जोड़ी तो दुनिया में अजूबाई होई, बहुत अच्छा लगी। तो फिर हम का करी? ऐसन करो तू उसे शादी कर ले हो, फिर तुम देख ले हो। हाँ हाँ। जैसे कृष्ण जी रुक्मणी और सत्यभामा को साथ में रखत रहे, हम और शारदा दोनों साथ में रहेंगे। हम तुम्हारे पूरा गृहस्थी के संभाल ले और शारदा अपन पढ़ाई लिखाई जारी रखी है। पहले बउआ को तुम दूध पिलाओ और शादी के बारे में हम बाद में सोचो। तो नाम का हम को बताई दे, हम आते आए हमको बताई दे, तो नाम का नाम को बताई दे, नाम को बता दे, नाम नाम है बता दे, तो नाम का। अरे हमें बचा लियो, कहां से आए हो, कुछ तो बोलो। आजा 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 भैया का सिर दे, अपना नाम को बताई दे। अरे तुम नहाते किससे हो? बताओ ना कहाँ से आई हो? हम बतावत अनी बाबू। मैडम आप जरा इधर आके बैठ जाएं। हाँ बताओ इनकी खूबसूरती का राज कहाँ है? बतावत है। हाँ? सुनो अगर मदद करी। कहाँ शारदा इतना देर कर दिया? तुमको क्या, तुम तो फ्री हो, लेकिन हमको तो हमारे घर वालों को समझाना है ना। क्या बोल के समझाया तुमने? एक बेचारा भास्कर नाम का लड़का हमारे 2 साल से वेट कर रहा है। और क्या बोला? बताते हैं, ग्रेजुएट है, बहुत सुंदर है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर क्या बोल के समझाया?
हम उनको बताएं कि आज वो लड़का का इंटरव्यू है, हम जाके उसको इनकरेज करेंगे तो वो अच्छा इंटरव्यू देगा। तब मैडम बोली, जाके बोलो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। भगवान उनके भला करे। चलो चल के लंच करते हैं। आज खाना लेट हो जाए तो कोनो बात नहीं, पर आज जिंदगी भर के खाने खातिर इंतजाम करे के बा। इंटरव्यू की तैयारी हो गई? हाँ हो गई ना, तू देख ला। Yes. May I come in? Come in. Thank you. Please sit down. Thank you. You're Mr. Bhaskar? Yes, Miss Sharda. What are your qualifications? I love Sharda. Really? What are your hobbies? Hobbies? I love Sharda. I always love Sharda. I love Sharda. What is your ambition in life? To love Sharda and to marry Sharda. बहुआ को लेकर आज मंदिर नहीं जाओगी का? यहीं बैठी रही हो? देखो आज बाबू हमरे गोद में कितना चुपचाप बैठा है। Shut up. Take two boy and go to मंदिर। का कहा? Shut up. Why I shut up? अरे ये shut up का मतलब चुपचाप बैठो, ऐसे बड़ों से बात नहीं की जाती। आई मास्टर जी। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्कार। बैठिए। दुकान तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आजकल तुम बहुत ही तरक्की कर रहे हो। एक साल के अंदर ही दुकान डबल होनी चाहिए। यही तरह मेहनत करो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। आपकी दया रही तो ये भी हो जाए। कॉफी या चाय लेके आई आपके लिए? नहीं, उका जरूरत नहीं है। अच्छा तुम हमारी बात सुनोगे? बिल्कुल मास्टर साहब, हम आपके बात कोनो टाल सकी थे का? हमका एक अच्छा सा चप्पल चाहिए। इतना सी बात के लिए इतना हिचक के काहे बोल रहे हैं आप? मास्टर जी अभी ने निकाली थे का? गंगा अभी कुछ बोला था कि नहीं? अभी तो कुछ ना बोलता है। ये लीजिए मास्टर साहब, जरा पहनी। बहुत ही अच्छा चप्पल है। कितना पैसा भवा? अरे अरे अरे, ई का मास्टर साहब, हम आपसे पैसा लेब का? हां तू वादा किए रहो कि हमारी बात सुनबो। अरे वो सुनो तो, पैसा रख लियो, नहीं तो इनका दिल दुखेगा। मास्टर जी से पैसा लेब तो का अच्छा लगी? अच्छा, इतना समझदार हो तो जबान काहे दियो। ठीक बा, हमें पता रहेगा कि हम फंस जाए। ठीक है, अगर फंस गए हो तो ले लियो ना। अरे अरे अरे, तुम बेकार की बात ना करो, चलो जाओ 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 यहां से, जाओ 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 जाओ। देखिए मास्टर जी, देखिए ना आप, रोज की आदत हो गई है बिना मतलब के डांटत रहे ले, जैसे हमरा कोनो दिल ही नहीं है। बेटा काहे के डांट रहे हो? डांटू नहीं तो क्या करूं मास्टर जी, आपसे पैसा लेने खातिर बोल रही है, आपसे। मास्टर जी जब तक आप ना कहो हम ही दुकान में पाँव ना रखेंगे। हाँ बिल्कुल मत रखिया, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा तू चुप कर। अच्छा ही बताओ कितना पैसा दे दें हम? जैसे ना आपकी मर्जी, आप उन्हें दे दो। ये रख लियो, रख लियो। ताने को शरम हया नहीं है, इले रख ले। लीजिए मास्टर जी। अरे बेटी पैसा वापस कर रही हो? आप वादा के ले रहे ना हमारी बात ना टालेंगे, ई लीजिए। हमरी बात हमरे ऊपर, बहुत होशियार हो। यहाँ पर कहे आए हो? बच्चा हमके दे दे। नहीं देंगे। अरे का बोले राम भाई, सात साल में सात को बिजनेस किया, बाकी एक को ना जमा। किस्मत साथ ना देते तो हम का करें? कौन कौन सा धंधा किए हो? बनारस में बनारसी साड़ी बेचन, दिल्ली में ढाबा खोलेन पर वो ना चला, चौपाटी पर नारियल पानी बेचन बाकी वो ना बिका। राम का हुआ? तुम्हारे जीजा जी जबरदस्ती बच्चा को लेके गए हैं, जल्दी चलो चलो चलो। अरे साइकिल लेके जाओ। La 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 Thank you.
क्या बात हो शारदा, तू इतना उदास काहे हो? अरे शादी के बात ही तो करे के है, तू इतना घबरात काहे हो? हम अनाथ हो गए थे, फिर राम हमको संभाले, हमको पढ़ाए लिखाए। हाँ हाँ बोलो बोलो। अपने प्यार का जिक्र हम नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। ऐसा बात है तो हम बात करी। नमस्कार। శ్రీమణి బాలికామణిని జీరి మహత్పరిపూర్ణ ధర్మసు శ్రీమతి జేయుభారమిడి చంకట నిల్పెనరుధతి కృపను ఆ ప్రకారంగా లా బిటై తుమ్హారీ కహానీ సే మిల్తీ జుల్తీ హై శారదా కే జిమ్మేదారీ జైసే తుమ్ లియే హో
वही तरह अरुंधति की जिम्मेदारी सुषमा स्वरूप उस समय लिए थे। राम जी अंदर है ना गंगा? हाँ। जूता यहाँ उतार दो। तुम यहाँ कैसे शारदा? बस ऐसे ही। हमके बतावे के चाहिए ना। भास्कर इनकरा से मिलो, ये राम जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। ये कौन है? ये हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ भैया, शारदा अपना प्यार के बारे में आपसे बात करने में डर रही थी, इसलिए हमने कहा कि हम बात करते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिले तो हम दोनों शादी कर लें। शारदा, इतना अच्छा बात बताने में डर काहे के लागत रहा? అప్పుడు అతని మనస్థితి ఎలా ఉన్నదంటే, గంగ ఉప్పొంగి తల ముక చంగలిల్చే వయద ప్రళయాగ్ని నిలువెల్ల ప్రజ్వలిల్చే శ్వేత కిలాలకము పొంతు చేరి నిల్చే స్థాణువై నిల్చే ఒక కొంత సమయమునకు గుండె పగులదు ప్రాణము పునికి చనదు। पति पत्नी ट्रेन के अंदर बैठ के जा रहे हैं तो का मजा हुई है, अरे का नजारा हुई है। ओकरा बारे में और का बताई, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव में जलूस निकलल बा। का रे छुटुआ, का हम शारदा के पति बने लायक ना रहन का? आ? का भाई बास आ रही है का? आप पिएंगे भैया तो बदबू ही आएगी ना। पिया बड़े धूमधाम से शारदा की शादी की, इसलिए भाई शारदा की विदाई की, इसीलिए पिए हैं भाई। आयसन कौन है रे? ये सब जो सहन कर सके। सहन करे खातिर छोटा दिल नहीं बड़ा दिल चाहिए। हमरा पास बड़ा दिल नहीं है शारदा ने। आ? शारदा ने हमको पसंद काहे नहीं किया? हमने भी दिल में ही प्यार को छुपा के रख ले काहे छुपाया प्यार हमने? काहे छुपाया हमने अपने प्यार को? अब शारदा का ख्याल आना दिल में मेरे लिए पाप है, हमरे लिए पाप है। अब याद ना आए। चुप रहो। नहीं जब अब शारदा केहू और के हो चुकल बा, अब वो हमरा नहीं हो सकती ना हो। आ आ आ आ
अब तो किसी और के हो गए। जट बहुत अच्छा हो गया रे। ओके तू हमरे के एक बात बता, अगर शारदा से हमार शादी हो जाती ता और हमार बच्चे होते तो तेरा का होता? तू नहीं बोल सकता पर तेरे साथ बड़ा अन्याय होता। मेरे बच्चों के कारण तुझे पालने पोषने में कमी होती और तू आवारा बन जाता और मैंने अपनी बहन को जो वचन दिया था वो सब मिट जाता। अरे बच गया, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता। भगवान भगवान, ये जो हुआ गलत हुआ सोच करके तुझे बहुत डांटा, नहीं जो किया सही किया। वो बच्चा के लिए, हम शादी के लिए और अब ता शादी का ख्याल छोड़ दूंगा और तू भी छोड़ दे। और अब ता और अब जो है तो इसे माँ की ममता नहीं मिलेगी और हमके पत्नी के प्यार ना मिली। ये जो हुआ गलत हुआ सोच करके तुझे बहुत डांटा, नहीं जो किया सही किया। वो बच्चा के लिए, हम शादी के लिए और अब ता शादी का ख्याल छोड़ दूंगा। गीता तू यहाँ क्या कर रहा? गंगा बहन ऑपरेशन कराने आई है। ऑपरेशन? हाँ। कौन चीज के ऑपरेशन? बच्चा पैदा ना हो के उसका ऑपरेशन। वो काहे के लिए? जानते हो, राम जी के शादी खातिर तैयार करवाने के लिए। इसके अलावा और कोनो दूसरा रास्ता नहीं था, चिराग की अच्छा परवरिश खातिर ऐसन करे के ही पड़ल। कहे रे, तेरी पत्नी चली गई यही बात का डर था तुम्हें? दीदी आपका बलिदान खाली नहीं जाएगा, देख लियो। का माथे पे लगावत है, गाल पे नहीं, पागल। काला टीका को इस तरह मत मिटाओ, नजर लग जाएगी। ए, के बोल ले? ये सब कहा? अरे जल्दी करो भाई, मुहूर्त का टाइम हो ही रहा है। अरे भाई मंगलसूत्र के ला रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आई 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 आई। सब कुछ ठीक हो ना? तुम जाके तैयार हो जाओ, हमारा ही इंतजार हो रहा था। मास्टर जी ये सब कहा है? और कुछ नहीं, गंगा के साथ शादी है तुम्हारी। मास्टर जी, दामाद जी, गंगा से शादी करे के बाद आपको ही लग रहा कि प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम अपने भांजे को जान से ज्यादा प्यार करते हो, ये बात गंगा को अच्छे तरह से मालूम है। और गंगा को भी ये बात अच्छा तरह से पता है कि शादी के बाद जब वो अपने बच्चा का माँ बनेगी तो वो तुम्हारे भांजे के ऊपर अच्छा से ध्यान नहीं दे पाएगी। ये सब सोच के वो संतान पैदा ना हो ऐसा ऑपरेशन करवाया है।
हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने, अपन कोख से बच्चा पैदा करके ओके माँ का प्यार दे, ऐसा तपस्या करत है। लेकिन गंगा तपस्या की है तुमको पाने के लिए, तुम्हारे भांजे को पुत्र जैसा प्यार देने खातिर। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा कि तुमको गंगा जैसा पत्नी मिला। बेटा चिराग के ओका माई दे दो। का जरूरत रहे अपनी शादी के लिए, भगवान का आशीर्वाद ही काफी रहे। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, गोविंद आपकी दुकान में आग लगा दिए है, सारा सामान जली के खाक हो गवा है। अरे ये क्या हो गया, आग लग गई? अरे तो बहुत ही बुरा हुआ। मास्टर जी, हमसे शादी करने के पहले ही इनके साथ ही सब अशुभ घटना घट रहल बा। वो हमसे शादी ना करिए, हमरा से शादी ना करिए। गंगा, गंगा, दुकान बचावे खातिर ही अपन जान के बाजी लगा दिले। यही है छोड़ दे करा के। गोविंद नाम के ही मुजरिम ने अपना पूरा होशा आवास में राम के दुकान में आग लगाई। राम की दुकान में काम करे वाला मजदूर की मौत का जिम्मेदार भी यह है, ये साबित हो गवा है। यही से
आईपीसी धारा 452 के अंतर्गत मिस्टर गोविंद को 14 साल के सजा सुनावल जा रहा है। हेलो, रॉयल सूज के मालिक के घर से बात कर रहे हैं। अरे, हम राम के ससुर बात कर रहे हैं, रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल। हाँ, 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 या 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 इका पिताजी केकरा से बतिया रहे हैं? अरे भाई, हमरा का पता? फिर हंस का ही रहे हैं? सामने वाला का बोल रहा हमरा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हंस रहा हूँ। का पागलपन है, पता ना केकर इम्पोर्टेंट कॉल हुई। हेलो, हाँ, आ, या या, चिराग, आ, हाँ, हाँ, या, चिराग, हाँ, या, चिराग, हाँ, हाँ, ओ या, देखा केकर फोन है, बात करा। हेलो या, दिस इज माय फादर राम शिवराम हाउस, व्हाट यू वांट, विच नंबर यू वांट? सॉरी प्लीज, रॉन्ग नंबर मम्मी, रॉन्ग नंबर है। अरे बेटी, हम तोरा से ये कहे वाला रहे हैं। वो ही बात करत रहे। हाँ, आ रही हूँ नाना। का गंगा, अभी तक कोर्ट में बटन नहीं लगाए? हमसे भूल हो गई जी, आपके पास एक कोट थोड़ी बा, ढेर सारा कोट बा। अभी कौनो दूसरा पहन ली, शाम में सिल दे। बोल के तुम 3 दिन लगा दियो, जो बोला करे वो काम किया करो ना, टाइम है कि नहीं? अरे ते ई बात बा, अभी 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 कर रही हूँ बाबा, कर रही। कब 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 करी हो? इंसान को इतना लापरवाह नहीं होए की चाहिए गंगा। हमरा पति हमरा से प्यार करेला, ते इतना लापरवाही तो जरूरी है। और हमार पति इतना कमावत है कि रोज एक कोट खरीद सकत है। रात में अब ही ने अरे बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी, नहीं तो बस आ जाएगी। बस में ना जाए, इतना बैठा। अरे बेटा, बस में नहीं बैठेगा तो का तुम्हारे लिए जीप मंगवाए हम? डैडी खातिर गाड़ी, हमरा खातिर गाड़ी ना ला सके लेगा? अरे बेटा, जब तू अपने बाप की तरह बड़ा हो जाएगा तो जहाज में बैठना। अरे अभी तो चल हमारा साथ है, चल चल चल। अरे बेटा बेटा बेटा, हर बात सुनो। अरे कहा है ससुर जी, रोड के ऊपर ही नाचना गाना। तुम्हारा चिराग को बस में छोटा लोग के साथ बैठ के जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए अलग से। का आपके पता है स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म एक जैसी क्यों पहनाई जाती है?
कि बच्चन के बीच में कौनो भेदभाव ना रहे। काहे चिराग, तुम्हें बस में बैठे में तकलीफ होत है का? अच्छा, तो पिछली परीक्षा में इंग्लिश में कितना नंबर आए रहे? 19। कितने में से? 100 में से। और हिंदी में? 4। और मैथ्स में? 7। बेटा, तुम्हें सर मामे के चाहिए कि तुम्हार मार्क्स कम आए हैं। बस में जाने से वो तुम्हार मार्क्स कम नहीं हैं। ससुर जी, इसको ले जाओ। चिराग, स्कूल से आ जाने के बाद हम सब लोग सर्कस देखने चलेंगे, हाँ? सुत गया, भूख लागल है। अरे रे, ई का करे? काम कर ले। ये हमरा बैग है, तुम्हारा बाप कहाँ गया? अभी तक आए नहीं। इसका मतलब तुम सी लोगी क्या? इतना कीमती बैग को सत्यानाश कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। इसकी तो अब कहाँ बोले हम इसको। इले, इले। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मत मारिए। अरे भाई साहब, काहे इस बच्ची को मार रहे हैं? अरे छोटे बच्चा को छोटा बच्चा जैसा रहना चाहिए। ये देखो हमरे बैग का क्या कर दी, सत्यानाश कर दी। आप ही बोली ना, हम इकरा निकाल के सिल के अच्छा से दे दे। अरे सी के दे रही है ना, इसे दे दो। अरे कार वाले बाबू, अगर आपको बच्चा पे दया आ रहा है ना, तो 2-4 रुपया दे दो। मुझे दीजिए। अरे ना बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सिलाई करेंगे? दीजिए हमारा बैग। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, अगर काम खराब हुआ तो हम आपके दूसरा दे देंगे। बैठ जाइए। आप रहे दीजिए, ये बहुत मुश्किल काम है, हम ठीक करके दे दे। अगर नहीं आएगा तो इस बैग से ही हम सीख लेंगे। बाबू, सीखने के लिए हमारे बैग मिला है। बाबू, अब तो बहुत अच्छा सिल रहे, आपने ये काम कहाँ से सीखा है? कौन है बाबू आप? ए भाई, ये साहब कौन है? ये राम जी है, रॉयल शूज के मालिक। हाँ, अच्छा, ये वे साहब है ना जिनके 4 शोरूम और 4 को फैक्ट्री है? हाँ। नमस्कार साहब, नमस्कार। ये ले लो अपना बैग, बराबर सिला है, जरा देख ले। अरे आप तो कमाले का सी दिए हैं, ये भी ठीक है और ये ठीक है। अरे चुप, 50 रुपया दो, 50 रुपया। हमारा छोटका बेटा ना टाइपिंग वाइपिंग सीखा है, अगर आपका फैक्ट्री में नौकरी मिल जाता तो। ठीक है, देखे तन। नमस्कार साहब। आप कुछ देर यहाँ बैठिए, हम लोग कुछ नहीं खाए, कुछ खा के आ करो। हम लोग 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, हमारे पिताजी आके पैसा ले जाएंगे, इसे यह बात के डर है। तुम्हार पिताजी कहीं पर भी नशा में पड़े हुए हैं, और जब कभी पैसा की जरूरत पड़ेला तो यहाँ आ जाले। माँ कहाँ है बेटा? माँ तो मर गई ना। आओ हमारा साथ ही आओ। कहाँ पर? तुम लोग कह रहे थे ना भूख लगी है, इनके पिताजी के आते ही इनको अपनी फैक्ट्री में लेके आना। ठीक है। रामा भाई। यस सर। गोपी जी। यस सर। अरे इसको का हो गया ही? अरे भगवान, अरे भगवान। अरे हम आपको सर सर कह रहे हैं और आप हमको भगवान भगवान बोल रहे हैं, घर के जैसन। जाइए स्टाफ। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। मॉर्निंग सर। यस सर। पेज नंबर 2। ई वाला गुप्ता जी, इधर आइए। जी सर। इनके देखें का चाहिए। जी सर, अभी देता हूं सर। आओ बेटा तुम। तुम लोगों का सिलेक्शन हो गया? अभी नहीं हुआ। अरे ये चप्पल ना चाहिए इनके, ये देखी, ये लीजिए, इनके सोल बहुत अच्छे हैं। बैठी बैठी। अच्छा, चला बेटा, बिना शर्माए तुमका जो चाहिए सब लेके खा लो। मान सिंह जी, जरा अंदर आओ। देखा बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए बिना शर्माए तुम लोग ले लेना, ठीक है? मान सिंह, देखो इन्हें क्या चाहिए, इन सबको रेडीमेड कपड़े लाके दो। ठीक है। वहाँ दूसरा फैक्ट्री है? नहीं, वो राम जी के पूजा का कमरा है। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं।
हाँ तुम ही हो। नमस्कार साहब। हमके पता चला आप हमरे यहाँ आए रहन। हमार बीवी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। अच्छा तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में है? हाँ। अभी वो कैसी हैं? डॉक्टर का इन हालत बहुत खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवा खातिर पैसा नहीं है, कोनो मदद नहीं कर रहा है। ईका तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में और तुम लोग बोलते हो कि मर गई? हमनी के माता कब के मर गए, ये हमेशा ऐसे ही झूठ बोलत रहले। पापा ये देखी साहब जी हमनी के नया कपड़ा दिए हैं। माफ कर दी साहब, हम बड़ा शराबी हैं, पैसा के लिए सबके जैसे आपसे भी झूठ बोला। शराब जुआ और अय्यासी में जिसे जिंदगी गुजारनी हो उसे शादी कब्बो नहीं करें के चाहिए, संतान भी पैदा ना करें के चाहिए। पत्नी का तो बचा नहीं सके, अरे जो बच्चे हैं उनका तो संभाल लो, इनका अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दे और तुम्हें यहाँ नौकरी दे दे। अब आंखें खोल के अच्छी जिंदगी जियो। आप देवता हैं मालिक, हमको माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मानसिंह लेकर जाओ। कांता भाई। हाँ बेटा। ये कॉफी है कि चाय है? ये सब का है? तुम रामजी से पैसा मांगे, उनसे पैसा मांगे की क्या जरूरत रहे? का है पैसा मांगे हैं, डकैती थोड़ी डाले हैं, 50,000 रुपए ही तो मांगे हैं बिजनेस के लिए, और का? ये पैसा काहे खातिर, तुम्हारे या सामान खातिर? सामान खातिर। राम आज लाखों कमा रहा है, 50,000 उसके लिए कोनो माने नहीं रखते हैं, इतना तो नाली में फेंक सकता है। वो काहे फेंकी? का रिश्ता बा तुम्हारा उनसे, का संबंध बा तुम्हारा उनसे कि तुम उनसे पैसे मांग रहे हो? ला, उनकरा कहीं लॉटरी में पैसा ना मिलल, मेहनत करके कमाए हैं। कोनो भीख नहीं मांग रहे हैं उससे, उधार मांग रहे हैं, मेहनत करके कमाएंगे और एक एक पैसा लौटा देंगे। मेहनत और तुमसे? 6 साल के अंदर तुम मेहनत करके का कमेला भास्कर? अच्छा तुम अगर पैसे कमा रही हो तो ये का मतलब ये नहीं है कि हमारी कमाई के बारे में पूछो। हम तो हर कमाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तू जो हर बात से पलट जाला, तुम्हारी ऐसी जिंदगी के बारे में। Shut up. Why should I? This is the truth. 6 साल में 6 कंपनी बदल दिए, कम से कम एक जगह तो टिको, 10 महीना भी कहीं नहीं टिके तुम, केहू तुम्हारा बर्दाश्त न कर पावेला, सब काम से निकाल देला। चुप करो। जब औरत मर्द के कमजोरी बतावे शुरू करेली तब मर्द के ऐसे ही गुस्सा आवेला। तुमको अच्छा नौकरी नहीं मिला, तुम कहते हो हम बर्दाश्त किए, मेरे कमाई पर तुम अपना सब इच्छा पूरा किया और हम बर्दाश्त किए, अपना मतलब के लिए तुम राम जी के भोलापन के फायदा उठाना चाहते हो, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। राम जी हमको बिना किसी स्वार्थ के पढ़ाए लिखाए इस काबिल बनाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने दोगी तो क्या करोगी? ये बात हम अपना मुंह से नहीं कहेंगे। हमार खाना का है बेकला, बगल में काहे बैठा लड़ा में का गला था? एक चप्पल सिए वाला हमार बाजू में बैठी रास्कल। हम रोड पे बैठते हैं तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हेलो कौन? ओ अरे हेडमास्टर साहब, नमस्कार साहब, कैसे हैं? हमार चिराग, आज हमरे घर में जौन के वजह से खाना और 2 बखत के रोटी है और तू उनकर बेटा के ऊपर हाथ उठाते हो, ये बात हमको सही नहीं लगती है। अच्छा बता, आज तू किनकी वजह से स्कूल जाता हो और नए कपड़े पहनते हो? हाँ क्या गलत किए? एक साथ बैठ के खाना खाए गलत है क्या? और नहीं तका बेटा, अरे एक ही मंदिर में शिव और नंदी रहा था, लेकिन एक मंदिर के अंदर रहा था तो एक मंदिर के बाहर रहा था, पता है दोनों के जगह मंदिर में ही है पर महिमा तो शिव के ही है। आ जाओ।
बाबूजी आप यहाँ आवा संभाल के बाबू। नमस्ते बाबू। आपके चरण हमारी कुटिया में पड़े हम धन्य हो गए। बैठिए बाबूजी बैठिए। अरे माँ ऐसी कोनो बात नहीं है, इंसान को इंसानियत से रहना चाहिए, बस यही है, कोई छोट बड़ा नहीं होता। बेटा जरा सा अच्छा भोजन बनाओ, आज हम यहीं भोजन करब। बाबू आप भोजन करेंगे वो भी गरीब के कुटिया में? पिताजी इली पानी दे दी। आवा बाबू। बैठ जाओ बेटा। आओ बाबू तुम भी बैठो, हमारे लिए भी तो लाओ। अभी लेकर आता हूँ बाबू। का बात है बहन, ई उम्र में आके तुम पढ़ाई के बारे में सोच रही हो? वो का है कि पढ़ाई तो कभी भी किया जा सकता है, बस पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। सही कहे हैं, स्कूल टीचर तो कहते हैं कि पढ़ाई करने का कौनो समय नहीं होता है। आई आई ये देखी कौन आए हैं। नमस्ते। रोहिणी आई है। बाबू अच्छा ये बतावा कि तुम लोगों के जीवन में सब कुछ कैसन चल रहा है, सब ठीक ठाक है ना? अरे गंगा अब इन लोगों के लिए भी तो कुछ खाने पीने के लिए देख लो। आगे ला बेटा, तू जल्दी से हाथ पैर धोला, हम खाना लगा देती हैं। गंगा हम तो उसे एक बहुत बढ़िया बात करा चाहते हैं। जा बेटा तू। रोहिणी हम तुमसे एक बात कहा चाहते हैं, पढ़े के कोनो उम्र नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि गंगा को आज से तुम पढ़ाओगी। हाँ बहन ये ठीक ही तो कह रहे हैं। इनका तो दिमाग खराब है, तुम भी पगला गई होगा। ईसा कौन बात कर रहे हैं? अरे हम ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। भैया अमेरिका में लोग कभी भी पढ़ाई करत है, बड़े लोगों के लिए वहाँ अलग से स्कूल चलता है। अच्छा ऐसा तो फिर अपने यहाँ पर भी हो सकता है। अरे रुको रुको, रोहिणी आज से गंगा स्कूल जाएगी पढ़ने के लिए, अब इनका आज से हम कोनो बहाना ना सुना। हम कह रहे हैं ना। से खरीदे? No. Are you a student? Yes, yes, yes. Are you married? Are you married? Yes, yes. She's married. Good morning, miss. बैठ जाओ। All of you sit down. अच्छी हो ना? हाँ। अनुपमा प्रेजेंट मिस। भुवनेश्वरी यस मिस। चंद्रिका प्रेजेंट मिस। रूपाली यस मिस। दुर्गा प्रेजेंट मिस। श्रीमती गंगाराम जी प्रेजेंट मिस। हेमा प्रेजेंट मिस। इंदिरा प्रेजेंट मिस। है मालकिन आप ऐसे काहे बैठी हैं? मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार साहब। मालकिन स्कूल से आ गए? हाँ मालिक, देखिए वहाँ बैठी हैं। गंगा ए बैठे बैठे का गुनगुना रही हो, स्कूल में का हुआ है? देखी ना जी, ऐसा लागत है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो गई, पता ना अजीब अजीब चीज नजर आ रहा सपना में। हम पति हैं नजर आए का? नजर तो आई नहीं, लेकिन ई तरह से भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल ना नजर आई नहीं, सच कर अलबानी। तब ओ का कहते हैं डार्लिंग
हाय। अरे डार्लिंग, तो हम तुमके बोले और क्यों के नहीं, पर का बात है, आज बड़ी मूड में लग रही हो। हम स्कूल ना जाएंगे अब। अरे तुम फिर से शुरू हो गई ना। देखो, पढ़ाई के लिए किस्मत चाहिए और वो तुम्हारे पास है। तुम्हारा पति नहीं पढ़ाने चाहत तो है ना, तो फिर का तकलीफ बा। मानती है, दिमाग का इस्तेमाल करो। हमारा पास नहीं है। फिर कहाँ गा? शादी के बाद तरह के दे दिया है। मतलब तुम्हारी वजह से मैं इतना बड़ा आदमी बना? ऐसे मत देखा करी जी, हमारो मतलब ना रहे। गंगा, इंसान कब्बो भी अकेला कुछ नहीं कर सकत, उसके लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। और हमार शादी के बाद तुमने हमेशा हमारे कदम से कदम मिलाया, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, समझ गई? एमे, हमार ना तोहार बड़प्पन है जो तू पुराना दिन की याद रखे है। मालिक आ गए हैं, तू जाके अपन काम कर। आ रही हूँ। आप? और किसे समझा तुमने? भास्कर नहीं है क्या घर में? सोचा आज संडे है, दोनों जन घर पे ही मिली हो। मिले तो चाहत रहे, पर कहा कि आज काम आवे से वो बाहर चल गए। गंगा कैसन भिया? अच्छी है। का बात है, आज तुम सुस्त दिख रही हो, तबीयत खराब है का? ऐसा नहीं है, मौसम बदलत रहेला, कबो धूप कबो बारिश, यही खातिर तबीयत थोड़ा खराब रहेला। वो सब छोड़ी, बाबू ठीक से पढ़ रहा है ना? हाँ पढ़ रहा। भास्कर ने चिट्ठी लिखा था मुझे, उसको कुछ पैसा चाहे कराएं, जरा सा लेट हो गए हम। वो क्या है ना, पैसा का इंतजाम वो कहीं से कर लिए हैं, अभी जरूरत नहीं है, हम सच कह रहे हैं। प्रॉमिस, ये पैसा के बारे में आप अभी मत सोचिए राम जी। कांता बाई, हाँ? कॉफी ले आई? हाँ लावत है। अब बैठिए, हम अभी आवत हैं। कांता माँ। का बेटा? शारदा ऐसन का है? भास्कर कहाँ है? आखिर का भाई? हम का बताएं बेटा, जे ना होखे के चाही हो रहा है, दोनों में जम ही नहीं रहा। पैसा कमावत नहीं है, शारदा को सतावत है, मालकिन भी बेचारी का करी है। शारदा पूछी भास्कर से, वो आपसे पैसा काहे मांग रहे हैं, बस इतने से बात पर झगड़ा हो गया। मालिक के तो बात करे के तरीका ही बदल गई बा। अब वो दोनों कबो मिल सकी है हमरा नाला अकेला। खाए खातिर आज क्या बनवाए? कुछ भी बनावे की जरूरत ना है, तुम मेरे साथ चल रही हो। हम अभी काहे? क्यों, किस लिए? घर जाने के बाद बताएंगे। कांता माँ, शारदा के कपड़ा तैयार करता। शारदा, ई का हर घर परिवार में छोटी छोटी बात होत रहा था, इसका मतलब ये तो नहीं? हाँ चुप हो जा, चला ना। हम अपन पढ़ाई भी तेरे भरोसे पे कहले हैं, शादी भी तू है करवाइले हो, और अब कब तक तू हमार बोझ उठाएगा? नहीं, तू हमार जिंदगी हम पे छोड़ दे, शारदा हम पे छोड़ दे। तुम्हारी बात सुनूंगा उस दिन जब तुम दादी बन जाई हो, लेकिन अभी तुम मेरी बात सुनो। हम तुमका ये हालत में बिल्कुल नहीं देख सकते, अभी तुम मेरे साथ चलो, जब भास्कर सुधर जाएगा तो वो तुम्हें खुद ही लेने आ जाएगा, समझ गई ना? का सोच रही हो, चलो हमारे साथ है। ऐसे का देख रही हो? बस ऐसे ही, कहेले पुण्य करेले से
अच्छा पति मिलता है। तुमने भी कौनो पाप नहीं किया, सब ठीक हो जाएगी। सुनो, तुहार दिल बहल जाए, ऐसे तुमको फैक्ट्री में नौकरी दिए हैं। हाँ शारदा, और वैसे भी अपने लोग हो तो काम करने में दिल लगा रहता है, तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा और तुम अच्छा मन से काम भी करियो, ठीक है? सुनो, हम खाए का डब्बा गाड़ी में रख दिए हैं, एक बारी काम में लग जाते हैं तो इनका होश ही ना रहता है, कौनो ठीक नहीं है, इन्हें टाइम पे खिला देना, ठीक है? ठीक है। पियो साहब, जी भर के पियो, दबा के पियो, पिए से इंसान के दिल का भड़ास अपने आप बाहर आ जाता है। दोनों का हालत एक के जैसा है, बिल्कुल एक के जैसा। हमनी दोनों आज एक ही कश्ती में सवार हैं। पियो पियो। हमारी सारी तकलीफों का वजह राम है। हमको हमारा बेटा से दूर किया, बर्बाद हो गए हम, खराब हो गई जिंदगी, और तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर किया और तुम्हारी जिंदगी की भी वाट लगा दी। हम अपना बेटा को कभी भी ला सकते हैं, पर एगो औरत पराया घर में इतना दिन रहने के बाद कैसे वापस ला सकते हैं? हाँ, का जमाना आ गया है। और एगो बात तुम जानते हो, राम ओका बचपन से चाहता है और यही वास्ते वो उसको पढ़ाया। काका, सच कहता वे? अब वो तुम्हारा घर तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अभी तुम का कैसे याद आवा? कल शर्मा जी के घर में फंक्शन है ना, कहीं अचानक गाए खातिर कह दिए तो एहे से प्रैक्टिस करत रहे। तुम बहुत बड़ी सिंगर हो ना, जो तुम्हें गाने के लिए सब लोग कहेंगे। हम इतना बुरा भी ना गाती हैं। हाँ, आगे क्लाइंट का बतावा ना। अब ही ने काहे इतना रात के गाएंगे तो तबीयत खराब हो जाए। फिर भी गाना सुनना चाहती हो का? दवा हम दे दे अपना। सच में? वेल डन शारदा, वेल डन। यह देखने आए हैं कि पति से अलग होके कितना तकलीफ उठा रही हो, बड़ा खुश लागत हो। का बात है राम जी, इतने साल से आप जोन प्यार के अपना दिल में छुपा के रख ले रहे हैं, आज सबके सामने बता रहे हैं? भास्कर, इका बकवास कर रहा है बड़ा। बकरहाल है, दिस इज अ फैक्ट, ओपन सीक्रेट, सबके पता ही कहानी के विषय में। राम भाई जी है ना, इस शारदा से शादी करे के सपना देखत रहा। ऐसन का? हाँ, तब तक पूरा नहीं हुआ, अब हो गया। शादी तो ना भाई, अब अपना मन का इच्छा पूरा कर रहे हैं। जब हम ये बात के सोचते हैं तो हमारा मन रो पड़ता है। का करें हम, कहाँ जाएं, कैसे मांगे हम इंसाफ? चलो घर चल के बात करते हैं। अब का बात करेंगे आप, अरे हमारा साथ अन्याय हुआ है, हमका न्याय चाहिए। न्याय अन्याय की बातें घर चल के करते हैं। आवा। सॉरी भास्कर। काहे खातिर? हम हाथ ना उठाए इसलिए? अगर तुम्हारा पास इतनी हिम्मत हो तो तुम पत्नी की कमाई से अय्याशी नहीं करते, दूसरे की कमाई पर नजर ना हो, मर्द की तरह मेहनत करते। हम तो यह चाहत रहे कि तू सुखी रहा। इता आपके बड़प्पन है, राम जी के जैसन त्याग तक केहू ना कर सकेला। भास्कर, हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए शायद मेरे शब्द तुम्हें अजीब लगेंगे, पर हम का करिए, हमरे बीच में जरा सा झगड़ा हुआ और हमको अलग कर दिया, और शारदा के अपना पास लाके अपना इच्छा पूरी कर रहे हैं। पढ़े लिखे हो तो का इतने सीखे हो? हम इतने नीच आदमी नहीं हैं कि पराई औरत पर नजर डालें। का तुम श्री राम हो? यह कहे चाहत हो कि तू ओके बहन समझ के पढ़ाए और नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसे अपनी पत्नी समझकर पढ़ाया। सात फेरे लेने के लिए उसके गले में मंगलसूत्र हमने बांधने के और तमाम सपने देखे रहे, पर शारदा के दिल में तुम्हारे लिए जगह है। भास्कर, शारदा जैसन पत्नी मिलना तुम्हारे लिए खुशनसीबी है। ऐसा ना हो कि तुम शारदा से जिंदगी भर के लिए दूर हो जाओ और शारदा तुमसे दूर हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं आंखें खोल लो। अगर तुम्हें पैसा की ही जरूरत है तो हम सबसे झूठ बोल के शारदा की जिंदगी से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें आधी जायदाद देने को तैयार है। शारदा ई कहा? अरे शारदा ई कहा सब? अपना दिल में आप हमके इतना पवित्र जगह देनी और हमरे खातिर आप उनसे विनती किए, इसलिए पराए के सामने तो नहीं कर रहे हैं? बोलो, हम अपनी पांचवी दुकान में से चौथा हिस्सा भास्कर को दे रहे हैं, ये एग्रीमेंट तैयार करो तुम। भास्कर मांगले से हिस्सा? भास्कर ने मांगा या मैं दे रहा हूँ, बात एक ही है। पहला तुम एग्रीमेंट तैयार करा। बहुत बड़ा काम कहला भास्कर, पत्नी के साथ जीवन बिताए खातिर रेट फिक्स किए तुम। जौन इंसान तुम्हारा घर बसाने आए उसके भोलापन के फायदा उठाए तुम। शाबाश, तहार माँ स्वर्गवासी हो गई, यही से बच गई ना, तो तू ओकर भी दूध के कीमत लगाई था, है ना? राम भैया, आप जौन हमारा दिल बदले के कोशिश किए हैं और उससे जो सादा के तकलीफ हुआ है, हम तो माफी मांगे के लायक भी नहीं हैं। बस हमके माफ कर दी और अपना फैक्ट्री में छोटा सा नौकरी दे दी, जैसे हम पैसा कमा के शारदा से नजर मिला के जी सके। हमार प्रार्थना स्वीकार करना। भास्कर, मेरी फैक्ट्री में किसको नौकरी देना है किसको निकालना है, ये हक मैंने शारदा को दे रखा है। अपन पति के को अच्छा सा नौकरी दे दा शारदा। चिराग, चिराग बेटा, किताब खरीदे के बाद कितना पैसा बचा? 20 रुपया। तो 20 रुपया हमको दे दो, फिनाइल खरीद के लावत हैं। फिनाइल लोगे? कल भी लेला, परसों भी लेला, रोज रोज लोगे का? तो का करें बेटा, ये नौकर लोग रोज एको शीशी तोड़ देते हैं। तू ही रुको बेटा, तू यहाँ खेलो, हम अभी आवत हैं। है का चाहिए साहब? कुछ नहीं। अरे जल्दी से एको बियर दे दो। साहब को जरा एक ठंडा बियर दे दे। मामा, शराब पीने के बाद बियर पीने का मतलब है खाना खाने के बाद छाछ पीना। ले लो। क्यों मामा, क्यों रो रहे हो बताओ? अगर हम ई पिएंगे तो हम सह नहीं पाएंगे और हमको चढ़ जाएगी, और हमको चढ़ गई तो हम राम के सामने सब कुछ सच सच बता देंगे। भाई, इसमें नया बात का है? राम के पास 4-5 को दुकान है। सही है, बोल रहे हो। 4-5 लाख कैश होगा। अरे बिल्कुल सही कहा था बेटा। एक बंगला भी है और एक फैक्ट्री भी है। नया फैक्ट्री डाला था कसम से। हमको सब पता है, लेकिन हमारा बेटा को ये पता चले कि हम उसका बाप। चीची, रोवल ना जाता है। ये देख, ये हो तुहार बेटा। मेरा बेटा, बेटा चिराग, चिराग कैसा है तू? हमरा मुन्ना, हमरा बेटा। ये कौन है नाना? अरे चिराग बेटवा, ये तुहार बाप है, डैडी। ये डैडी है? हाँ बेटा। फिर ओके, हम बताते हैं, ये सच है बेटा कि राम तुमरा सिर्फ मामा है, हम है तुम्हारे असली डैडी। ठीक है, हम चलत हैं, बस आ गई। बस में का मामा? इतना सारा कार होने के बाद भी हमरा बेटा बस से जा रहा है, शर्म नहीं आता है उको? कहे बेटा, तू बस में कहे जा रहे हो? डैडी बोलते हैं बस से जाए के चाहिए। अरे रे रे, ये तो घोर अन्याय है, ये बहुत ही गलत है। हमको बताओ, अगर खुद का बेटा होता तो इसे बस में भेजता? कोनो बात नहीं, तुमको चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। बेटा देखो, तुम्हारे वास्ते हम कहा लाए हैं। का है जी? कैमरा बाबू। थैंक यू। अरे कब डैडी करके बुलाएगा, हमारे दिल को बहुत चुभता है। मामा इससे कहो नहीं हमको पिताजी का है। करेगा बेटा, बहुत जल्द बुलाएगा। अगर राम को पता चल गवा कि तू बिल्कुल सुधर गवा है
तू तुमको प्यार से घर पे ले जाके रखेगा। हम एकदम बदल गए हैं मामा, नहीं तो बेटा का ऐसा हालत देख के हम कब के मर चुके होते। ए बाबू चिराग संभल के जाइयो, जाओ बेटा। कहा बात है बेटा, जब भी हम आवत है कुछ न कुछ दे के ऋण बढ़ा दे तो कैसे उतारेंगे। आप कैसन बात कर रहे हैं, हमार बीच में ऋण कैसा और रिश्ता ही ऐसा है, और आपके बहू तीर्थ यात्रा पे जा रही है तो सामान की जरूरत तो पड़बे करी ना। ये क्या कर रही हो बेटी, तू तो और ला रही हो। मास्टर जी अभी आप गंगा से हिंदी में बात मत किया करें, अंग्रेजी में बात किया करें, समझ गए ना। ये क्या कर रहे हैं, बोलल जरूरी है का। ए का हो गया मास्टर जी, अपने कोनो पराए नहीं। मास्टर जी सैंपल सुनिए। अभी ना बाद में बताई। वर्क? यस। व्हाट वर्क? इज इट सो इम्पोर्टेंट? बोला। यस। कम ऑन एंड से, स्पीक आउट। यस, आई हैव वर्क इन किचन। व्हाट वर्क इन किचन? क्लीनिंग द फ्लोर, बॉइलिंग द मिल्क, कुकिंग फूड फॉर हिम। यू डोंट कुक फूड फॉर मी? यस। But you are going. No, I will stay if you ask me for lunch. Then I'll cook vegetables. But if I stay, he will not like it. No, no. He likes you very much. He's a good fellow. He likes you that much. He likes everybody. You're God for him. He loves you that much. Master ji. That much. ये जो भी बोल रही है ओकर ऊपर विश्वास मत करिए। ये जरूर गलत बोल रही होगी। नहीं नहीं, जोन बोली सब सही बोली। मतलब ये सब सही बोल ले? बेटा तुम हमको भगवान की तरह मानते हो ना? सॉरी सर, माय मिस्टेक, गंगा इज करेक्ट। देखो गंगा, तुमका जब भी समय मिले इसे अंग्रेजी में बात किया करो ताकि इसके काम आ सके। यस सर। चल था बेटा। यस सर। अपना ध्यान रखियो। अरे आपके बैंक के काम करे के जाके रहे ना, चलो नाश्ता कर ले। कर लूंगा, सब लोग साथ में ही करते हैं, जब भैया बैंक में जाएंगे तभी काम होगा। यूरो कितना टैक्स भरे के हो? 2,42,000। का बात है सरदा? एडवांस टैक्स भरना है 2,42,000। बैंक में कैश पड़ा हुआ है, भर दा ना। का हुआ, काहे रो रहे हो? चिराग बाबू जूता ना पॉलिश करे पे ही हालत कर दे ले। चिराग, चिराग, ये का किया तुमने? का तुम अपना बूट पॉलिश खुद नहीं कर सकते? हमको नहीं आता। हाँ? हम कहे ना हमको अच्छा नहीं लगता। जूते लेकर नीचे आ। हटो। ये क्या किया बेटा तुम? गंगा, ए तुम शूज लेकर इधर आओ। मानी, तुम भी इधर आओ। बैठ जा। ठीक है मालिक। बैठ जा कहा ना। ला पॉलिश करा। अच्छा से करा। बच्चा की जिंदगी में ऐसे ही सबक सिखावे के चाहिए। टिफिन तैयार करके रखे हैं, तुम लोग जाओ। इला पॉलिश करा। शाम के स्कूल छूटने के बाद वो घर नहीं आई, सीधा हमारे साथ जाई। आप लोग कुछ ना बोली हैं। अरे चिराग कहाँ आ गया? संभल के जाना। बैठ जा। बूट पॉलिश करा।
बूट पॉलिश करने का कितना पैसा भा? मनी को जब तक नए कपड़े नहीं मिल जाते तुम ऐसे ही बूट पॉलिश करोगे। काम खत्म होने के बाद चिराग को घर पे लेके आ जाना। चला गंगा। ना बेटा, हमके तो हम करत हैं। इसका कौनो जरूरत नहीं, हम कर लूंगा। देखो बेटा गोविंद, कितना घोर पाप हो रहा है, हमसे ना देखा जा रहा है। हे भगवान, शांत हो जा मामा, ये ले लो। अरे ना ना, हिया ना पी सकता। आप यहाँ रहेंगे, देखेंगे तो बहुत ही दुख होगा, उधर जाके पी लिया। जा मामा। चिराग का ख्याल रखियो बेटा। छी 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 छी, तेरे क्लासमेट देखेंगे तो है, रामी सब किया है ना, हमको बताओ। छी छी, ऐसे नहीं रोते बेटा, ये सब छोड़ दो, तू आके हमारी गोद में बैठ जाओ, आ जाओ। हम देते हैं पैसा, लो ये जाके राम को दे दो, ठीक है ना। हाँ, ले बच्चा। बच्चा मानत है जी कि बाबू की गलती है, पर ये तरह बूट पॉलिश करावे की का जरूरत रहे, उसको डांटते मारते इतना ही काफी रहा तो रखा खातिर। आज जूता छुए से वो परहेज करा था, कल उसे पता चली कि हम जूते सिल के इतने बड़े हुए हैं तो हमसे नफरत करी। जो काम हमें दो वक्त की रोटी देता है उससे हम नफरत नहीं कर सकते। लेकिन इतना छोट उम्र में ओकरा इतना कष्ट देवे की का जरूरत था? फल पकने के लिए उसका इंतजार करना ही पड़ता है, हम ओके यही बतावे के चाहते हैं। ये तुम्हार ममता है कि तुम जो सोच रहे हो कि हम उससे नफरत करते हैं, हम चाहता नहीं कि हमार बेटा बड़ा होके हमारा जैसा काबिल इंसान बने। समझ गए लू ना? मामा चलो उठो, बारिश हो रही है। कहाँ बारिश हो रही है, हम तो झरना के नीचे हैं। बारिश हो रहा है, जल्दी कर चलिए। बेटा टैक्सी को आवाज दो। नौ बज गया, अभी तक नहीं आया बाबू। बारिश हो रही है, अरे कहीं रुक गए होंगे, आ जाई है। बारिश तो बढ़त जा रहा बा। तुम्हारे पिताजी छतरी लेके गए लहे का? नहीं लिए। जरा भी अकल नहीं है तुम्हारे पिताजी को? अकल नहीं है, बारिश का समय है, छतरी लेकर जाना चाहिए ना, कभी भी बारिश हो सकती है। अगर बारिश में बच्चे को कुछ हो गई तो का हुई? इस तरह की लापरवाही हमका बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबूराव गाड़ी निकाला। चलो बेटा। काहे ससुर जी इतना लेट काहे कर दिए? अरे हमरा पास कोनो गाड़ी थोड़े है कि हम कभी भी बस में नहीं आ सकते हो का? सीधा बोलिए ना कि पीने के लिए वहाँ रुके हुए थे। हाँ पीएन पीएन ना, दिल फटत रहे ऐसे पीएन, मासूम बच्चा को रोड के ऊपर ले जाके बिठा दिया। आप अंदर चला, अंदर चला के लिए। पिताजी गंगा तुम होकर कपड़ा बदला, आप अंदर चल के बैठी, चलिए चलिए। अरे तू कैसा इंसान हो रे, एगो मासूम बच्चा से पालिश करवावो तो। पिताजी आप तनिक अपन मुंह बंद रखी है। आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? मैं राम बोल रहा हूँ। वो कहा है ना, मेरा चिराग बारिश में भीग के आया है। नहीं इतना अर्जेंट ना है, कल कभी भी आकर बच्चे को देख लेना तो अच्छा होगा। अरे बेटा Thank you.
अच्छा हो ना कामेश्वरी। हाँ मैडम। मैडम ना दीदी कहो, हम तुम्हारे लिए बदले थोड़े ना हैं। ये नया कपड़ा तोहरे खातिर ठीक है? ये तुम्हारे पिताजी को दे देना है? और थोड़ी देर बाद मंदिर में जाके प्रसाद ले लिया। जी ठीक है। नहीं नहीं हम रख देते हैं। इला टोकन। गंगा नहीं, तुम उठा के वहां रखो। बेटा तुम बता रहे थे तुम नया फैक्ट्री डाले वाले हो, का हुआ उका? काफी काम हो गए ले फैक्ट्री का मास्टर जी। कुंजल गोत्र, नाम राम है। आप एक अच्छा मुहूर्त देख के फैक्ट्री का मुहूर्त करवा दें। बेटा इसका खातिर हमरा का जरूरत, अपना बेटा से मुहूर्त करवा लो, सब सुबह सुबह होगा। उद्घाटन तो तब होएगा जब बेटा रहेगा ना। नमस्कार साले साहब, नाम गोविंद, गोत्र गायत्री। तू जेल से छूट के वापस आ गए, ये कागज में कहा? हमरे साले साहब को लॉयर कल नोटिस दे दी। पंडित जी यहाँ ला बेटा, यहाँ हाथ रखो। चिराग का लंबा आयु खातिर आप प्रार्थना करे हो। राम बेटा, आपन भलाई के फल देख रहे हो ना तू? तू अब तक हर बात खातिर ओका माफ किए हो, लेकिन आज एका बदले में वो तुम्हारे ऊपर ही केस कर रहा है बेटा, और दावा करके तुम्हारे चिराग को कोर्ट के माध्यम से तुमसे छीनना चाहता है। अच्छा है, खून का रिश्ता और प्यार का फैसला करने वाला अगर ये कोर्ट है तो हो जाने दो। आखिर कोर्ट का फैसला तो हम सबके माने के ही पड़ी, कानून ता कानून होता। गोविंद जी आपके जीजा हैं? हाँ। चिराग गोविंद के बेटा है। आप चिराग के अपना घर पर कहे रखे हैं, कुछ कहे कहे है बारे में? कुछ नहीं। That's all, Your Honor. नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। राम, सबका सामने सच्चाई बयान किए हो, आप तो न्यायमूर्ति हो, न्याय हमरा तरफ करेंगे ये हमका भरोसा हो, अपना सर का कसम। साहब हमरा बेटा वहाँ, साहब आज राम के घर में, साहब एक कैदी का जिंदगी जी रहा है, जानवर का जिंदगी जी रहा है, इसको कैसे हूँ बचा लीजिए। हम सगा बाप हैं, वो का दर्द हमसे नहीं देखा जाएगा। ये सब लोग ये मासूम बच्चा के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अरे एगो छोट सा गलती करने का ये मतलब नहीं होता कि रोड पर बैठा के उसे बूट पॉलिश करवाए। अरे हम उका बाप है, हम उका बूट पॉलिश करत नहीं देख सकत। अरे सॉरी साहब, हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए। हमरा बात पे यकीन कीजिए साहब, यकीन कीजिए साहब। हम इतना अमीर तो नहीं है, लेकिन अपना बेटा का परवरिश इनसे ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं। साहब आप चिराग से पूछ लो, वो केका पास रहना चाहता है। गोविंद के बात सुने के बाद ये अदालत फैसला करत है कि चिराग के कहाँ रहे के हा, ई बात के फैसला चिराग के खुद ही करे के हा। मिस्टर राम, अदालत आपसे जाने के चाहा था, क्या आपके ऐतराज तो ना हा? मना कह दो जी। नहीं सर। नमस्कार साहब। चिराग प्लीज कम हियर, कम हियर। बेटा तो है राम जी के साथ रहे के है कि अपन पिता गोविंद जी के साथ रहे के है, जज साहब के सामने बताए दे। डरा मत बेटा, बोला। बेटा पर हमको हमारी माँ भी चाहिए। मम्मी
सुनी, सुनी। दुकान पे चला। हाँ ठीक है, आप जाके देख लें। यहाँ कैसे आना हुआ? चिराग के खातिर? बहुत घमंड था ना अपना पैसा पे, हैं? गोविंद, हमके पता है तू ये सब पैसा खातिर करे रहा ना। बोल तो के कितना पैसा चाहिए? ये बात है, पहले इसको देखो। एकाधेक के तुमको लगे कि चिराग खुश नहीं है तो रेट बताएंगे, पैसा दे जाना। हम्म,
जानबूझ के कर रहा बा। ओकर दिल में कौनो बहुत बड़ा चाहत है। हमके पता बहु का चाहत है। ओके पैसा चाहिए। ओके जितना पैसा चाहिए वो देके चिरा के वापस लेके आए। वो नरक से लेके आए। उसका बेटा है, उसके साथ वो कुछ भी करे, इससे हम लोगों को का लेना देना। हम का कर सकते हैं? मानत है हम ओकरा के, हम अपन कोख से जन्म ना दिए हैं, लेकिन हम ओकरा के पाले तो हैं। सुनी, एगो माँ के सारा ममता हम उसको दिए हैं। इतना छोटा सा तरह जब वो हमरा पास रहे, पर अभी ये तरह से बर्बाद हो रहा है। और आप ओके कुछ ना कहते? हम क्या कर सकते हैं? जब वो खुद ही हम लोगों को छोड़ के चला गया तो हम क्या करें? वो इंसान अपना फायदे के लिए वो बच्चा की जिंदगी के साथ खेल रहा है। जहीं जाके ओकर जिंदगी बचाए। देखो चिराग गोविंद के हाथ लग गए तो नहीं बचेगा। ये सब का हो बेटी? खून पसीना एक कह के जायदाद बनाए रहे राम। कहीं गोविंद के बाप के संपत्ति रहे जे ही अपने नाम करवा लिया, और जल्दबाजी में राम भी पेपर पर साइन कर दीस बेटी। आखिर राम ऐसन काहे किया बेटी? और हम तोरा के समझदार समझत रहे, तू ऐसन काहे करियो? तू ये पेपर पर साइन काहे कियो? और कर भी का सकत रहे पिताजी, एकरा सिवा हमने के पास और कोनो रास्ता ना रहे। गोविंद के जायदाद चाहत रहे, अगर हमने ओकरा ना देती तो वो हमने के चिराग के जिंदगी पूरा तरह बर्बाद करके रख देत। पिताजी जायदाद चल गई तो का हुआ, बेटा तो वापस मिल गया। चिराग, 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 आवा बेटा, ठीक है ना? देखा तो कितना दुबला हो गया है। दामाद जी, ये जोन कुछ भी हुआ उमा हमार भी बहुत बड़ा हाथ है। गोविंद जब आवा तो हम समझा कि वो सुधर गवा है, इसलिए हम ओका के अपने वो चिराग के करीब आवे दीहन। लेकिन वो दौलत खातिर सब करत रहे, हम तनी भी ना सोचे रहन। हम जन पाप के ही नौकर प्रायश्चित कैल चाहत हैं, और हम चाहत हैं कि गोविंद के जान से मार दी और जेल में चल जाए। ससुर जी, हमने जो भी किया वो आज तक चिराग की भलाई के लिए किया, पर इस बात को हमारा बच्चा समझ नहीं पा रहा है। अब हमारे और उसके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं अब कुछ करूंगा तो गोविंद की नजर के साथ साथ चिराग की भी नजर में हत्यारा साबित हो जाऊंगा मैं। बस यह बात हमें कुछ भी गलती करने से रोकत है, हम बेबस बानी। चिराग, अपना बाप से गुस्सा होके तू कोर्ट में सबके सामने ही कह देला कि तरह के तो के उनका साथ रहल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात से उनकर दिल पर का गुजरल हुई? बेटा जा, उनका से जाके डैडी आई एम सॉरी कह। जा, जा। चिराग, माफ कर दो। तुमने किया कहा है? आइए सब लोग देख कर जाइएगा। ईजॉन टीवी में चल रहा बा असली है कि नकली? नकली टीचर के सब पता? अरे सच में सिगरेट पी रहा है? अरे
ये चिराग सच में सिगरेट पी रहा है का? सिगरेट पीना गंदा बात। हम लोग इससे दोस्ती नहीं करेंगे। हाँ, चलो चलो चलो। अभी तुम दारू भी पिए सीख लिए? छी छी, चलो यहाँ से। चलो चलो बंटी। ये बच्चा के साथ हमनी के बच्चा रही है तो बिगड़ जाइए। चलो चलो यहाँ से। ये लड़का के साथ ना छोड़ के चलो चलो चलो। ठीक नहीं है। बेटा सब तहार फ्रेंड है ना? फिर सब छोड़ के काहे चल गए ले? सब काहे छोड़ के चल गए ले एकर कारण पता बता रहा के? काहे कि गोविंद तुमरे साथ गलत कर रहा था। समझ गए ना तुम? तुम कौन से पिताजी को चुने और कौन से पिताजी को चुनना है सोचे हो कभी? राम जी वो इंसान है जो कि तुमको दिल से चाहते हैं, पर वो गोविंद जैसे ही जायदाद हाथ में आए तुमको घर से निकाल दिए। जब हम कौनो गलती करते हैं तो ऊ जे हमके सजा दे के सुधारते हैं उहे हमनी के अपन होते हैं। ई ले चाबी, इसमें फैक्ट्री घर ऑफिस सब की चाबी है। घर कब खाली कर रहे हो? आज ही आकर कब्जा कर सकते हैं आप। जब पेड़ के काटल जाला तब पेड़ पे बैठल पक्षी भी चिल्लावत हैं। राम जी के साथ इतना अन्याय हो रहा बा और तुम लोग चुपचाप बैठे हो। अगर तुम लोग को लगता है कि जो पैसा देता है उहे मालिक है तो तुम में और इस मशीन में कौनो अंतर नहीं है। तुम हरदम यही कहते हो ना कि तुम इस कंपनी के नौकर नहीं इस कंपनी का हिस्सा हो, तो हमको लगता है कि तुम लोग को विरोध करना चाहिए। और तुम लोग का एकता क्या है सबको दिखाओ। मालिक मालिक, चिराग बाबू के कमरा में आग लग गई। चिराग बाबू फंस गए हैं। बाबू के कमरा में आग लग गई। चिराग 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 चिराग। दरवाजा खोला बेटा। चिराग 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 दरवाजा खोला। चिराग 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 तोड़ दो। चलो राम जी के पास। चलो चलो राम जी के पास। चलो 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 मारो। छोड़ छोड़ो मुझे। छोड़ छोड़ दो। हटो राम बेटा, तुमका कहीं जाए की जरूरत ना है। दुकान फैक्ट्री सब तोहरी है। बोल रे। अरे बोलत काहे ना हो। हां गोविंद, गोविंद तू जे भी गलती कईले हो मान जा। चल मांग, इनके पांव में गिर के माफी मांग। पेड़ के काटे के बाद पानी डालने से का फायदा? नहीं राम, हम आज तक सिर्फ दौलत के पीछे भागत रहे, खून के रिश्ता को समझ ही नहीं पाए। हम कसाई है, पापी है, भगवान हमको कब माफ नहीं करेगा। तुम हमको माफ कर दो। ये आपका मेहनत का कमाई है, इस पे हमारा कोनो हक नहीं है। राम बाबू इसको ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। मैंने आज तक जो भी कमाया वो सब चिराग के लिए कमाया, इस पर मेरा कोई हक नहीं। अब जो भी करेगा वो चिराग करेगा। ये सब जायदाद का मालिक चिराग है। राम जी अपना जिद छोड़ दो, कितना भी करो छोटू तुम्हरे है। अच्छा बुरा देखे खातिर तहार जरूरत है। इतना आसानी से फैसला कर लिया कि उसको कौन सा बाप चाहिए? अपना अच्छा बुरा वो सब समझ सकता है। चला गंगा। चिराग चिराग जाओ बेटा, उनको रोक लो। जाओ बेटा, उनको रोक लो। जाओ। आज तक राम जी एगो सांप के दूध देख के पाल ले, ये हमनी के गलती रहे कि हम तुमको समझ नहीं पाए।
ई प्रॉपर्टी आप ही लोगन से डर के दे रहे हैं कि सच में दे रहे हैं? बताओ डैडी। सच में बेटा, ई जायदाद तुम रख लियो। ई जायदाद का हमको कोनो लालच नहीं है। Ha ha ha!